हेलो फ्रेंड्स, आज अपना डे फोर है ट्रेडिंग का, 60 के कैपिटल 460 ट्रेडिंग डेज। तो सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि क्या मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और मैंने कहां पर ट्रेड ली। तो सबसे पहले मैंने जो ट्रेड ली वो निफ्टी 50 में ट्रेड ली, आप देख सकते हो यहां पर निफ्टी 50। उसके बाद में मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, यहां से मार्केट ओपन हुआ था इस जगह से, और इसके बाद में जैसे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में यहां से मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया। और मैं एक जैसे मतलब मॉर्निंग में आप ट्रेड लेते हो तो यहाँ पर मैं एक मिनट का टाइम फ्रेम कर रखा था मैंने, यहाँ पर अभी 5 मिनट का है, तो यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करने लगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, अभी यहाँ पर 5 मिनट का है। तो जैसे इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर मैंने ट्रेड ले ली थी इसी कैंडल के अंदर, और इसी कैंडल के अंदर ट्रेड लेने के बाद में मैंने वहां पर इस ट्रेड को यहाँ पर शायद यहाँ पर इस जोन के पास में मैंने एग्जीक्यूट कर दिया था, तो इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ। फिर यहाँ पर मार्केट थोड़ी देर के लिए साइडवेज हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद में मार्केट यहाँ से जब इस जोन का ब्रेकआउट दिया तो मैंने इस कैंडल के अंदर, यहाँ पर इस कैंडल के अंदर मैंने यहाँ पर लगभग एंट्री कर ली थी। इसके बाद में मार्केट यहाँ से डाउन हुआ, कंसोलिडेट करने लगा, और आज आपको पता है कि जैसे वेडनेसडे के दिन आपको पता है कि टाइम डीके का बहुत ज्यादा वो होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट कंसोलिडेट करने की वजह से मुझे पहले प्रॉफिट हो रहा था इस जगह के ऊपर। फिर बाद में यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस कैंडल के बाद में मैंने यहाँ पर मार्केट को इस जगह एग्जिट कर दिया था, तो मुझे प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ था क्योंकि मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी और यहाँ पर इस जगह एग्जिट कर दिया, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद में मार्केट आपको पता है कंटिन्यू इस यहाँ पर भी कंसोलिडेट किया और यहाँ पर इस जोन का भी ब्रेकआउट आया, तो मैं यहाँ पर विचार कर रहा था, लेकिन फिर मार्केट फाइनल ये जोन था मेरे पास, इस जोन का जैसे ब्रेकआउट आया तो मैंने इसमें एंट्री की थी, और मैंने यहाँ पर एंट्री की। एंट्री करने के बाद में यहाँ पर मैंने एंट्री नहीं की थी, मैंने एंट्री नीचे की थी, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इस जगह, क्योंकि यहाँ पर मैं मार्केट के बारे में थोड़ा कंफ्यूज था तो यहाँ पर मैंने एंट्री नहीं की थी। यहाँ पर मैंने मार्केट में एंट्री की थी इस कैंडल के अंदर, इस ये कैंडल बनने के बाद में इस कैंडल के अंदर मैंने मार्केट में एंट्री की थी इस कैंडल में यहाँ पर, और इसके बाद में मुझे यहाँ पर ये मार्केट थोड़ी देर साइडवेज रहा और उसके बाद में ये मार्केट यहाँ तक आया, तो मैं एग्जैक्ट इस जगह के ऊपर एग्जिट हो गया मार्केट से। 183 के अबव मेरा जो प्रीमियम था यहाँ पर मैं एग्जिट हो गया, और 166 में मैंने यहाँ पर बाई किया था। क्योंकि यहाँ पर मैं एग्जिट क्यों हुआ ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि काफी मेरा एक इसमें नीचे का भी जोन था, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मार्केट इससे भी नीचे यहाँ तक मार्केट आ सकता था इस जगह तक, लेकिन मैं इससे पहले ही एग्जिट हो गया। इसका एक कारण मैं बताता हूँ आपको मैं क्यों हुआ, कि आपको निफ्टी बैंक का मैं चार्ट दिखा, तो मैं दोनों चार्ट साथ में देखता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक जोन था, मैंने मॉर्निंग में टॉप डाउन एनालिसिस किया था और उसके हिसाब से मैंने ये सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाए थे, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पर सपोर्ट मिला और यहाँ पर सपोर्ट मिलने बाद में मार्केट ऊपर वापस मूव करने लगा, तो मैं वहां पर एग्जिट उस जगह के ऊपर बाहर हो गया था। तो चलो मैं अब आपको मेरी ऑर्डर बुक दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने मॉर्निंग में ट्रेड लिया 9:26 पे, तो वो जैसे 1 मिनट वाला टाइम फ्रेम था उसका कंसोलिडेट कर रहा था और वहां से मार्केट का ब्रेकआउट हुआ, तो मैंने वहां पर एंट्री ले ली थी 136 में, और 148 में मैंने इसको सेल कर दिया, यहाँ पर मुझे प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में मैंने एक एंट्री यहाँ पर ली थी 166 में और उसको 169 में मैंने सेल कर दिया, क्यों मार्केट कंसोलिडेट करने लगा, और जैसे आपको पता है कि थर्सडे कल एक्सपायरी होने वाली है तो आपका प्रीमियम तुरंत ही डीके हो जाता है, तो यहाँ पर मुझे फिर विश्वास नहीं हुआ इसलिए मैं एग्जिट हो गया। और फिर फाइनली मैंने लास्ट में जो एंट्री ली थी आपको मैंने बताया कि वो 162.80 मिली और 183, यहाँ पर आप देखना एक बार जाके ये कितने की स्ट्राइक प्राइस है, 19,600 का पुट लिया था मैंने, तो आप ये देखना एक बार 183 जो मतलब हाईएस्ट 183, 184 या 185 है, और मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया था। अब यहाँ पर मैं पोजीशन दिखाता हूँ, पोजीशन के अंदर आप देख सकते हो मुझे 1800 रुपए का प्रॉफिट है, तो मान लेते हैं 1500 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि 300 रुपए आपको पता है यहाँ पर ब्रोकरेज, जीएसटी, सेवी चार्जर, ट्रांजेक्शन चार्जर वगैरह कट जाएंगे। सो मुझे ऑल ओवर आज डे फोर के अंदर भी 1800 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, कल मुझे 500 या 550 रुपए का लॉस हुआ था, उससे पहले मुझे 2400 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। तो आप मेरे चैनल के ऊपर सारे वीडियो देख सकते हैं, अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपको ट्रेड से रिलेटेड वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे, और भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर देना, मैं वहां पर आपका रिप्लाई कर दूंगा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।